हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को संख्याओं पर आधारित प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ और प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन है। और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व कराऊंगा और 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। और जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ ये आपके RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ। देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन, क्रमागत पांच संख्याओं का योग 270 है, दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना होगा? तो पहले हम निकालेंगे पांच क्रमागत संख्याएं। पांच क्रमागत संख्याएं क्या है? यक्ष, यक्ष प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फोर। ये पांच संख्या होगी, सभी को ऐड कर दीजिए। क्या एक ये हो गया x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर और टोटल योग है 270। अब सभी को जोड़ लेंगे तो ये पांच यक्स और प्लस इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, क्या है 10 बराबर 270। अब यहाँ पांच एक्स बराबर हो जाएगा, इसको 10 को इधर ट्रांसफर करें तो 270 माइनस 10 यहाँ हो जाएगा, पांच यक्स बराबर हो जाएगा 260। तो एक्स बराबर हो जाएगा 260/5, पांच से भाग दे, 5 25 और 5 2 10, तो एक्स बराबर हो जाएगा 52। ये आ गया। अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा दूसरी और पांचवी, दूसरी आपका कौन सा है ये है और पांचवी आपका ये है, का योग कितना होगा? इसका मतलब x प्लस वन और x प्लस फोर को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2x+5। अब x का मान 52 दिया है तो 2 × 52 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 × 4 और 5 × 2 = 10 और प्लस 5, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 1। पचों 25 के लिए 5 5 2 = 10, ये हो गया। यहाँ से 2x हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और 2 2 = 4 और 5 2 = 10 और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 0 109 आ गया, 109। तो इसमें कह रहा इनमें से कोई नहीं, ये क्या है, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो 109 ऑप्शन में दिया था, 108, 107, 110, 110 इनमें से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन में आपका 109 आया हुआ है आंसर, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पांच क्रमागत संख्या है तो x एक लेंगे, फिर x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, सभी को जोड़ देंगे, x x की वैल्यू को जोड़ देंगे, x जहां है वहां 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया। फिर चर और अचर को, चर संख्या है, अचर संख्या क्या है, 3 4 3 2 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 10। 10 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो घट जाएगा, 260 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 52 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। अब कह रहा है कि आपको दूसरी और पांचवी संख्या क्या है, तो दूसरी को सबको जोड़ देंगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ 52 रख दें प्लस 5, सभी को जोड़ देंगे 109 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो तीन क्रमागत संख्याएं को वर्ग करना है। तीन क्रमागत, एक x मान लिया, दूसरा x प्लस वन मान लिया, तीसरे को मान लेंगे x प्लस टू, तीनों संख्याओं का योग लेकिन स्क्वायर कर दीजिए, सभी को स्क्वायर कर दीजिए और सभी का योग योग आपका 110 दिया गया है, ये कह रहा है। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, तो वर्ग कर दिया फिर योग कर दिया, अब टोटल दिया है 110, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको यक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यक्स ए स्क्वायर, यक्स प्लस वन प्लस टू यक्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ भी यक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स,
बराबर हो जाएगा 110। अब यहाँ एक्स स्क्वायर अलग कर दीजिए तो 3x² और प्लस यहाँ से दीजिए 4x, जिसमें पहले बड़ी घात ले लेंगे फिर छोटी घात, 4x और 2x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 6x। फिर उसके बाद में अचर राशि ले लीजिए 5 4 1 5, ये हो गया 5 बराबर 110। यहां से आप क्या कर देंगे 3x² प्लस 6x प्लस 5 और माइनस 110 को अंदर ले लीजिए इक्वल टू 12 जीरो कर दीजिए। अब यहां से घटा दीजिए 3x² प्लस 6x और इसमें घटाएंगे तो 105 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करें 3 से भाग दे दीजिए सबने, तो 3 से भाग देंगे तो 3x² प्लस 3 2 6x हो जाएगा और यहां से काट देंगे 3 3 9 और 3 5 15। अब यहां पर क्या करें 7 और 5 क्या आएगा 7 5। यहां ध्यान दीजिएगा यहां जो माइनस दिया गया इसका मतलब छोटी घात लेना, अगर यहां प्लस होता तो बड़ी घात लेना, बस आपका छोटी घात कितना है 5 है, तो आपका x बराबर 5 और x बराबर ही 5 आ जाएगा क्योंकि अगला संख्या माइनस में आ जाएगा, तो आपका क्या रहा छोटी घात, क्या रहा इनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या 5, यहाँ 5 रखेंगे 6 आए 7 हो गया, तो आपका छोटी संख्या क्या है 5 है 6 है और 7 है, किसमें रखेंगे इसमें रख देंगे, x की वैल्यू आपका सेम 5 ही आया है, x प्लस 1 की वैल्यू आपका आएगी तो 6 हो जाएगा, x प्लस 2 की वैल्यू तो 7 हो जाएगा, तो सबसे छोटी आपकी संख्या पूछ रहा था तो सबसे छोटी संख्या आपका 5 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसको क्या करना है, गुणा करने पर 35 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए, तो क्या है 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 ही आ जा रहा है और 7 में से 35 भी हो जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ कौन सी संख्या लेना हमको पता नहीं, लेकिन जब यहाँ माइनस देखिए तो आप छोटी वाली संख्या ले लेंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो जान लीजिए बड़ी संख्या लेना है, बस इतना ही करना है। तो हम यहाँ से समझ में आ गया कि 5 लेना, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व भी कर देता हूँ, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 35 दिया गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 7 माइनस 5 एक्स बराबर 35 माइनस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करें एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5x, अंदर x का 7 में भी गुणा कर देंगे 5 में भी गुणा कर देंगे, माइनस 35 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ से देखिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 हो गया और यहाँ पर क्या है 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। देखिए 7 5 35 7 और 5 आता है, तो इसका मतलब 5 कॉमन हुए तो 7 बचेगा, यहाँ से क्या है x x कॉमन, इसके साथ एक जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा इसका बन जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे x कॉमन ले लिया। अब देखिएगा यहाँ से देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो अंदर प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x माइनस 5। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 ही लगा हुआ है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 7 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आपका 5 आ जाएगा, तो 5 आपका पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या 7, तो कह रहा है इसमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 5 होगी। इस तरह से इसको सॉल्व कर, ये गुणनखंड किया जाता है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से निकाल सकते हैं 7 5 35 होता है, छोटी संख्या कैसे लेंगे, यहाँ पर माइनस देखना है तो माइनस देखेंगे तो हम छोटी वाला लेंगे, अगर प्लस होता तो 7 तो लेते, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिएगा ये कुल मिला के आपको प्रैक्टिस करना है मैथ का, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत प्रैक्टिस करिए, जितना कोशिश करिए कि 2 घंटे 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको रट उठेगा हर क्वेश्चन को और आपको एग्जाम में आपको दिक्कत कोई नहीं होगी। आपको जहां पर 40 सेकंड का समय है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखते ही कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, दो पूर्ण संख्याएं, दो पूर्ण संख्या हमको पता नहीं, तो एक x मान लेते हैं दूसरा y मान लेते हैं, पूर्ण संख्या बन गया। अब क्या रहा है, दोनों का गुणनफल 37 दिया है,
इसका मतलब क्या है, एक संख्या आपको क्या मानेंगे, एक क्या मान लीजिए, एक एक मान लीजिए, दूसरा 37 मान लीजिए, तभी तो ये दो 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 खंड हो गए। 37 का 37 कभी खंड नहीं हो सकता, 37 कभी खंड नहीं हो सकता, सिर्फ एक गुणे 37 हो सकता है। तो आपको क्या हो सका, अब x बराबर आपका आपका 1 हो गया और y बराबर आपका 37 हो गया, यही हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल बताइए। तो अंतर क्या हो, 37 में से अगर हम 37 में से एक घटा दें, इसी का वर्गमूल कह रहा निकालने के लिए। इसका मतलब आपका दिया है, ये दिया है वाई माइनस एक्स, अगर निकाल देंगे क्या है, यक्ष को माने हैं वन, वाई को माने हैं, अंतर आपको कहे तो 37 में से अगर 37 में से एक निकालेंगे तो 36 हो गया, 36 का वर्गमूल निकालेंगे आपका 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो गया, बस इतना आपको करना है, वर्गमूल निकालना था 6 आ गया। क्या क्या सिर्फ इतना क्या, दो पूर्ण वर्ग संख्या ले लिए तो एक्स और वाई ले लिया, दो खंड इसको करना है, जैसे ये एक्स वाई दो खंड में है ऐसे इसको भी करना, तो इसका 37 का गुणनखंड तो हो नहीं सकता है। आप क्या करिए, सिर्फ एक एक और 37 लिख सकते हैं, तो एक 37 आप देखिए 37 में से एक घटा देंगे तो आपका 36 हो गया, और 36 का वर्गमूल निकालना तो 36 का वर्गमूल आपका 6 हो गया। इस तरह आपका आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योगफल और योगफल योग इनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या हम मान लीजिए, दो संख्या माना x और y है, इनका दोनों का गुणनफल दिया है कितना, 1092 है। अब कह रहा है इन संख्याओं का योग जो है x प्लस y, इन संख्याओं का योग, अब इनका अंतर x माइनस y अंतर से 42 ये अधिक है, 42 अगर ये अधिक है तो इसमें जोड़ दीजिए तो इसके ये बराबर है, समझ में आया। दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया है 1092, इनका योग x प्लस वाई, इनके अंतर से 42 ये अधिक था तो इसमें जोड़ देंगे, दोनों का इक्वल हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस वाई बराबर 42। अब यहां देखिएगा, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये आपका निशान प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो 2y बराबर हो जाएगा 42, तो y बराबर आपका हो जाएगा 21। अब 21 हो गया, एक संख्या आपका निकल आई, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या तो x y बराबर 1092। अब y का मान 21 रख दीजिए, x गुणे 21 बराबर हो जाएगा 1092 और x बराबर हो जाएगा 1092 बटे 21। इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 52, तो x बराबर आपका हो जाएगा 52। तो दो मान निकल आया आपका, दोनों मान निकल आया, एक y 21 निकल आया, दूसरा निकल आया 52। तो कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या आपका 52 आपका आंसर आ जाएगा, ये 52 आंसर आ जाएगा। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो ये संख्याएं क्या क्या हैं? तो क्रमागत संख्याएं एक x मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं x प्लस 1 के वर्ग कह रहा है, तो सब दोनों का वर्ग कर दीजिए और दोनों का योग आपका 61 दिया गया है। दो क्रमागत संख्याएं हैं तो एक x मान लिया और अगला हो जाएगा x प्लस 1, संख्याओं के वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने दिया का योग कर दिया इक्वल टू 61 है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो x² + x² प्लस 1 + 2x बराबर 61। अब 2x² + 1 + 2x -61 इक्वल टू 0। अब यहां से 2x² और इसको घटाएं ए प्लस 2x और यहाँ देखिए 61 में से 6 निकालें तो आप क्या हो जाएगा, 60, 61 में से 1 निकाल देंगे तो 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो x² + x - 30 इक्वल टू 0।
अब 6 और 5 हुआ, क्या है 6 5, देखिए गुणा करने पर 30 आ जा रहा है और आपका संख्या, वो संख्या निकालना है क्या क्या है, तो आपका दो संख्या x बराबर 1 आ जाएगा 6 और x बराबर आ जाएगा 1 5, दो मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा x 6 और 5 हो जाएगा, तो गुणा करते हैं 30 हो जाता है, 6 मान से 5 घटाते हैं तो 1 भी आ जा रहा है। अब इसमें कह रहा दोनों प्राकृतिक मान बताना है तो 6 और 5 हो जाएंगे, और एक आपका छोटी संख्या क्या है माइनस, आपका एक आ जाएगा आपका माइनस में और एक आ जाएगा आपका 5 प्लस में हो जाएगा, तो आपका दो मान हो जाएगा -6 और 5, ये आपको क्वेश्चन निकालना था। इस तरह से 25 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुए और अगले वीडियो में 26 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।